सब्सक्राइब करें ट्रैवल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। पूरे देश भर में छठ पूजा को लेकर निर्देश दिए गए हैं, बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी। और छठ एक आस्था का पर्व है। तमाम पर्व कोरोना काल में पार हो गए, लेकिन छठ को लेकर विशेष तैयारी की गई थी। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसी को देखते हुए झारखंड में विरोध हो रहे हैं सरकारी निर्देशों का, जिसमें कहा गया है कि तालाबों में नदियों में छठ नहीं की जाएगी। इसको लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। रांची के सांसद और राज्यसभा सांसद तालाब में उतरकर विरोध जताए, हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार की फरमान का विरोध किया जा रहा है। और यही मांग है कि छठ पूजा नदी तालाबों में करने की सरकार आदेश दे, अपने पूर्व के आदेशों में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी करें। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पत्र लिखकर मांग की है कि छठ पूजा करने के लिए जरूरी निर्देशों में संशोधन करें। चूंकि आस्था का पर्व है छठ, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और यही मांग की जा रही है कि इसको देखते हुए सरकारी निर्देशों में थोड़ी ढील दें। छठ लोक आस्था का पर्व है, प्रकृति का पर्व है, माँ भगवती का पर्व है, सूर्य की आराधना का पर्व है। सनातन इसको अपने श्रद्धा का केंद्र बिंदु मानता है। इस तुगलकी फरमान से सनातनी समाज के दिल को गहरा आघात हुआ है। राज्य सरकार को इस प्रकार के तुगलकी निर्णय लेने के पहले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठनों से विचार विमर्श करना चाहिए, पहला। दूसरा, राज्य सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है कि COVID-19 को फैलने से रोकने के उपाय तो खोजे ही, साथ साथ जो आस्था का विषय है धर्म, उस पर भी कोई छेड़छाड़ करने का वो काम ना करे। पूरा झारखंड आज उद्वेलित है, आक्रोशित है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है और उनसे निवेदन किया है कि इस पर, इस निर्णय पर आप पुनः विचार करें। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी अपनी बातों को रखना राज्य सरकार के पास ये हल्की जिम्मेवारी है। अच्छा लगा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के आवाज़ उठाने के बाद, जनता के आवाज़ उठाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींद भी। कमजोर सरकार की निशानी है, कमजोर नेतृत्व की निशानी है कि जो इस प्रकार के निर्णय आते हैं तो अच्छे अच्छे निर्णय को गप गप, और जो गलत निर्णय होते हैं उसको थू थू करने का काम करते हैं। इसकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेवारी इस प्रकार के निर्णय का कि राज्य सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल और उसका नेता इसके लिए जिम्मेवार है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।